दुनिया जा सिंधियो एक मुठ थी सिंध बचायो सिंध जो कौमी आवाज रेडियो वॉइस ऑफ सिंध लंडन रेडियो वॉइस ऑफ सिंध लंडन पांजी नशरियात में सिंध जी सियासत समाज इक्तसादियात तारीख कौमी उमंगुन ए इखलाकियात मुतालिक सिंध जी हकीकी तर्जमानी कंदे प्रोग्रामन के असरायतो बनाने लाए सिंध जे घण घुरन ए धरती से प्यार कंदड़ अदीबन दानिश्वरन सहाफिन उस्तादन वकीलन ए हर तबके जे मानवारन सजनन के सिंध में शौरी इनकलाब लाए सहकार जो सद दियूं था अचो त गजी सूफिन ए संतन वारी सिंध जो ओज एक मुठ थी वरी वापस आने वाले सफर जा साथारी बन जाऊं एक नए सुबह जी शुरुआत जो पड़ा दो घर घर गोठ गोठ ऐ शहर शहर ताई पहुंचायो शाल सिंध आबाद ऐ खुशहाल थिए सिंधी मानू सुख्यो ऐ सतावो थिए रेडियो वॉइस ऑफ सिंध लंडन पारा मां चुनीलाल वाधवाणी तांजी भलीकार कियां थो मौको आए नारायण श्याम जे जन्म दिन जो सिंधी बोली जे अजीम शायर नारायण दास नागवाणी याने नारायण श्याम जो जन्म गोकुल दास नागवाणी जे घर सिंध जे जिले नाबशाह हाणे जिलो नौशोर फेरोज हाणे तहसील भिरिया जेका संदस जन्म वक्त तहसील कोन हुई तालको नौशोर फरोज जे भरसा चार पंज किलोमीटर जे फासिले ते ओठ कासिम खाई कासिम में संदस जन्म थियो अड़े गोठड़े जेको नौशोर फरोज का मां तव्हांखे ॿुधायो पंज किलोमीटर ते आहे ॿावीह जुलाई सन उणिवीह सौ ॿावीह ते अहिड़े सिंधी लाल जनम वरितो हो अॼु उहे ज़िंदा हुजनि हा त पंहिंजी हयाती जा 95 साल पूरा करे चुका हुजनि हा नारायण श्याम असांखां 10 जनवरी 1999 ते भारत जी राजधानी दिल्ली में जुदा थी वियो गुज़ारे विया जिस्मानी तौर हू 67 साल 67 ईयर्स जिंदा रहा नारायण श्याम पंहिंजी शायरी जी शुरुआत सन 1949 में कई मतिलब त 17 सालनि जी उमिरि में नारायण श्याम जी शायरीअ जी उमिरि नारायण श्याम जी मतिलब शायरी जी उमिरि जेका टोटल 50 साल रही इन्हनि 50 सालनि में हू शायरी जे आकाश ते चमकंदो रहियो पर हक़ीक़त में संदसि ज़िंदगी मुश्किलातुनि ऐं मुफ़लिसी में ई गुज़री छो त हू कंहिं वॾे सेठ जे घर में कोन ॼाओ हो लोअर मिडिल क्लास जो माण्हू हुयो इन गुरबत वारी हालतुनि में बि हिन साहब पंहिंजी शायरी जे शौक़ खे आख़िरी दम ताईं क़ाइमु रखियो हो चवंदा मंज़िल भागन साण मिले थी मुश्किल मिलंदो आहे रस्तो पर हिन खे रस्तो ॾियण वारो रहबर हिननि जो पंहिंजो पिता श्री गोकुल दास ई हो ऐं हुन सां गॾो गॾु परसराम ज़िया हाजी महमूद खादिम जंहिंजो तखलुस हो लाड़काणे वारो लाड़काणाई ऐं डॉक्टर हरूमल सदारंगाणी जंहिंजो बि तखलुस खादिम हो इहे ॿई खादिम तखलुस वारा संदसि उस्ताद हुया नारायण श्याम कचहरी करण वारनि दोस्तनि में प्रोफेसर लेखराज अज़ीज़
मौलवी मोहम्मद आकिल जो तखलुस आकिल हो श्री जगत आडवाणी बेन के पांजी कचेरी जो दोस्त कचेरी या मोर करे मनींदो इनन के इनन जे साथिन में जेके ओ पांजो साथी समझंदो होयो उए होया श्री हरि दरियाणी दिलगीर शेख अब्दुल रजाक राज शिकारपुर वारो सुगन आहूजा शेख अयाज गोर्धन भारती प्रभु वफा असो सदा हयात असो शायर अहमदाबाद वारो अर्जुन हासिद जो इन वक्त हिंदुस्तान जो बर्ख ए बुजुर्ग शायर है। नारायण श्याम सिंधी शायरी में नवा वजन नयू तशबीहू नयू सिनफू नवा मौजू नयू उमंगू नयू तरकीबू असन्यू उनसा गडो गड इन सिंधी शायरी के नओ जहन नओ शऊर नई इन्फरादियत यानि इंटरनेशनलिज्म बीनल कौमियत सा गडो गड सिंधी शायरी के नई लोच नई लय नओ तासीर भी दिनों। हालांकि इन नवाण की शुरुआत साईं किशन चंद बेवस कई हुई जैसे नारायण श्याम शेख अयाज हरी दिलगीर ये सब शागिर्द समानी हुआ। शाह लतीफ की शायरी का पोए वीह सदी की शायरी में नारायण श्याम की शायरी पैंजी अलग सूंह रखे थी। चवन था पौतासी कड़े माग वनी छा पुछी कंदे पौतासी कड़े माग वनी छा पुछी कंदे हाँ बस इन सफर में लंघियासी किथा किथा इन सफर में लंघियासी किथा किथा। डॉक्टर हरूमल सदारंगाणी खादिम जडे नारायण श्याम जे गजलन जे मजमूए दात ए हयात जो आलमाणो मुआग लिखियो त खैस नारायण श्याम के एहसासन जो शायर जो किताब दिनई। नारायण श्याम जी शायरी में शब्द चित्र यानि इमेजिज़म लफ्ज़न में तस्वीर या जेका है इमेजिज़म मां नारायण जी शायरी जो जी जान आए संदस शेर पढ़ने से अखियन आडो एक तस्वीर उभरी अचे थी जेका पेंजो मफ़हूम ए माना महसूस कराए थी ए लफ्ज़न में अक्स नजर अचन था। चवन था दिसी मुखे दुनिया कुछो कीन दिसी मुखे दुनिया कुछो कीन लेकिन सितारन भगी अख ए गुलन मुस्करायो। या वरी बियो शेर बुधो काल इंकार कई हुई नेण झुकाए अज तू इंकार करे नेण झुकाया। एक बियो इमेजिज़म वारो शेर मुलाहिज़ा फरमायो दग डसे घर वट भी पहुंचाए वयो दग डसे घर वट भी पहुंचाए वयो ही न थियो ही न थियो खांस खणी नालो पुछा। हालांकि तवां के असां के ये सब शेर इश्किया शेर लगंदा पर नारायण श्याम जी हसास ए हुसन परस तबीयत के पेंजे जीवन साथी धर्मपत्नी में इश्क जो मरकज ए सहारो मिलियो हुयो। घणा त ईअं बि चवंदा आहिनि त श्याम पंहिंजी घरवारी खे साम्हूं रखे शायरी कई आहे ऐं बसि पर ईअं कोन्हे। हिन सचाई सुठाई सूंहं सां गॾो गॾु प्रकृति यानि कुदरत नेचर जे पस मंज़र ते बि शायरी कई आहे त वतन सां मुहबत ग़रीबनि मिसकिननि सां हमदर्दी ऐं क्रांति ऐं इनकलाब जूं सलाहूं बि ॾिनियूं अथसि इन पंहिंजी शायरी में। हाणे जेसि ताईं नारायण श्याम जे कविता संग्रहनि कविता मजमून जो तालुक़ु आहे त हिननि जो पहिरियों पहिरियों मजमून जेको हुयो कविताउनि जो माक फुड़ा जे नाले सां जेको मशहूरु थियो इहो हिन मशहूरु शाइर ऐं पंहिंजे साथी हरि दिलगीर सां मिली लिखियो हुयो ऐं शायो करायो सन हो 1953 जंहिंमें ग़ज़ल सां गॾु नज़म बि हुआ। 1955 में हिननि जो ॿियो रुबाइन ऐं सानेट
या तराइल जैके सानेट के तराइल चौंदा हुआ पंखड़ियों नाले से छपाय हुए इन्हीं में खास गाल यह है तो इन्हीं में विश्वामित्र ए मेनका वारो किस्सो जेको आ बयान कयल आहे जैते असांजी मशहूर फनकारा सोनू चौधरी बॉम्बे वारी ए श्रीचंद माखीजा फिल्म एक्टर बॉम्बे वारो एक न्यायती मशहूर डांस ड्रामा रूप माया नाले से तैयार कयो जै पूरे भारत में धूम मचाए छी ए हाने भी हर शहर में यो ड्रामो दिखारो पियो वने ए खूब सराहियो वयो इनन जो ट्रियों गजलन जो मजमू 1956 में रंग रती लहर जे नाले से छपियो चौथो संग्रह आयो वरी 1961 में रोशन छावरो पंजो हुयो कविता संग्रह माक बिना राबेल जैमें गजल वायू रुबायू दुआ सोरठा नजम सबई ही कंदो आ छो वरी गजलन जो मजमू छपजी जाहिर थियो 1969 में वारिय भरियो पलांद वारिय भरियो पलांद जैते खेस भारत सरकार जी मरकजी साहित्य अकेडमी तरफा 1970 में अवार्ड भी दिनो हुए हो यो इनाम भारत में एक खास करे मनो वने तो सतों वरी संदस गजलन जो मजमू छपजी पधरो थे सन 1972 में आछींदे लज मरा ए अठो वरी 1983 में यानी 11 सालन का पो 1983 में गजलन जो मजमू मैकी वेल सुबह जी तेका बाद में सदस गजलन जो मजमू आयो नसो रंग नसा सुरहान पर इनमें गजलन सा गड गीत नजम रुबायू वायू दुआ सोठा वगैरह भी हुआ सन 1988 में नारायण श्याम जो सबका वधिक मशहूर गजलन जो मजमू दात ए हयात नाले भांगो पहरियों भांगो बियो जे नाले सा छपजी पधरो थियो हाणे त वेझड़ में असांजे बुजुर्ग साहित्यकार अजमेर शरीफ शहर जे श्री हरि हिमताणी एक किताब भी कढ़ियो आहे जंहिंजो नालो रखियो अथई नारायण श्याम शख्सियत ऐं शायरी इन में काफ़ी कुछ ईअं समझो एक समग्र टाइप किताब छपाए पधरो कयो आहे जंहिंमें हरी दिलगीर सुगन आहूजा ढोलन राई ऐं ॿियनि शायर हज़रात जा मुआग भी आलवाणे नमूने जा लिखियल आहिनि किताब पढ़ण वटां आहे इन विच में इहो ॿुधाईंदो वञा त नारायण श्याम पंहिंजे मजमून जा जेके नाला रखिया हुया उन मां संदसि निविड़त नेठाई निमाया नज़र अचे थी चवनि था हुजे जा खाण खूबिन जी हुजे जा खाण खूबिन जी बिन ऐबन खां आजी न पंहिंजी ज़िंदगी अहिड़ी न पंहिंजी शायरी अहिड़ी इहा असां सिंधवासियुनि लाइ ख़ुशी जी ॻाल्हि आहे त सिंध गवर्नमेंट जे सकाफ़त खाते तरफ़ां बि नारायण श्याम जा मजमूआ वग़ैरह छपाइण जी कोशिशि कई पई वञे ऐं नारायण श्याम जी शायरी बि स्कूलनि जे किताबनि में शामिल थियण जा आसार नज़र अचनि पिया नारायण श्याम हमेशह मगरबी विद्वान शायर जॉन कीट्स के कोट कंदो हुयो नारायण श्याम चवंदा हुया कोट कविता वण जे पन वांगुर फुटण घुर्जे सुठो गजल उहो आहे जेको मौसीक़ीअ में ऐं राग में रचियल हुजे जेको असांजे जज़्बे शऊर ऐं समझ में नज़ाकत पैदा करे ऐं ज़िंदगी जे वाक्यनि ऐं तजुर्बनि खे रमज़ ऐं इशारनि किनायनि जी सूरत में
अड़े अंदाज से पेश करें जो असी गडियल तौर से उन्होंने बेहतर नमूने समझी सकूं अगे का बेहतर नमूने महसूस भी कर सकूं। शाम जा अक्सर गजल या घुर्ज ए तकादा पूरी कन था अनकोड थो हाँ नारायण श्याम के गीतन गजलन जो सीडीज भी अचान शुरू थी वही है। इंस्टीट्यूट ऑफ सिंधाला जी आदिपुर गांधीधाम वन भी सिंधी गजलन की सीडी जारी कई है अगते भी असा उन गजलन और गीतन जो वो खजानो सीडीज के रूप में मिल अड़ी उम्मीद है। नारायण श्याम शायरी में पंजो तखलुस यानी पेन नेम श्याम इस्तेमाल किया है पर पानी चौंदो हुयो कोट गजल सा निभाण वडी गाल आए तखलुस में छाए ना आयो हु छाए हु घणो करे शायर हजरत गजल जे आखरी शेर मक्ते में पेंजो तखलुस इस्तेमाल कंदा आए पर श्याम इनजी परवाह न कंदो हुयो। नारायण श्याम जी शायरी सही माना में जदीद शायरी आए छो तो इन गजल हाइको त्रायल दोआ सोलठा नजम सब में घणो करे जदीद पेचीदा जिंदगी जा जदीद पेचीदा जिंदगी जा अक्स मसला एहसास पेश कया आहिनि। इन हिंदी ए संस्कृत जी क्लासिकी धाराउन सिंधी क्लासिकी शायरी जे सूफियाणे ए वेदांती रवायतुन जापानी शायरी जे हाइको फ्रेंच शायरी जे ट्रायोलेट जैके इन ट्रायल सजो ए ब्रिटिश शायरी जे सानेट जैके भी इन ट्रायल सजो उनन जी प्रगतिशील सोच ए देश भक्ति जे मिलाप सा असा के जेकी कुछ इन दिनो सो उन जो ही कारनामो आए बो कोई अजा ती दई न सको है इन करे खेस सिंधी महाकवि उस्ताद शायर भी चवन था। नारायण श्याम एकड़ो निजो शायर हुयो याने ही वॉज अ प्योर एंड जेन्युइन पोएट एकड़ो बारन लाए एकड़ो गीत लिखो थी दिसो कोट नंढड़ा भारत वासी आयू छा न असांजो साहस आए केर असा सा सीनो साए दुश्मन जो टक मां वार लायू नंढड़ा भारत वासी आयू दिलबर देश असांजो प्यारो आए अखिन जो रोशन तारो सरस साहु खां उनके चाहियू नंढड़ा भारत वासी आयू देश जो शान वधाइण वारा देश जो शान बचाइण वारा औज अमन जा बानी आयू नंढड़ा भारत वासी आयू देश अदन लाए पान पतोड़ियू मेहनत का मुंह मूर न मोड़ियू मेहनत का मुंह मूर न मोड़ियू पेंजी किस्मत पानी ठायू नंढड़ा भारत वासी आयू। आजकल भारत में जेके बेवकूफ अज चवन पिया त भारत जे कौमी तराने मां जनगण मन मां सिंध लफ्ज कढियो वञे कढी छॾिजे घणे माण्हू ज़ोर हलाए रहिया आहिनि कोर्टुनि में बि विया आहिनि उन्हनि खे नारायण श्याम अॻु में ई जवाबु ॾेई छॾियो हुयो चवनि था सिंध खे कोन छॾाए को सघे सिंधियुनि खां सिंध सिंधियुनि में वसे सिंध हिते सिंध हुते मुल्क बणिजे थो मिटी सां न मगर माण्हुनि सां सिंध के कौन छदाए कौन सिगे सिंधिन का अगते चवन था जान मानुन जी पवे साफ संदन बोली मा जान मानुन जी पवे साफ संदन बोली मा शाम गालाए जे सिंधी थी जिते सिंध उते सिंध कौन छदाए को सिगे सिंधिन का सिंध सिंधिन में वसे सिंध इते सिंध उते अगते दिसो बातर भाषा लाए केतरो उन्हें के नारायण श्याम के प्यार हुयो एकड़ो शेर उन्हें जो बुधायूं तो कोट बी का आहे दिल जी बोली बी का आहे दिल जी बोली हिंदी ना है ना उर्दू आहे नारायण श्याम
चवे तो अगते बी का आहे दिल जी बोली हिंदी ना है न उर्दू आहे गंगा जमुना अमृत अमृत लेकिन थंज त सिंधु आहे सिंधी बोली के वो गंगा जमुना का भी वधिक पौतर दर्जो दे थे हुआ तो नारायण श्याम मटीरियलिज्म स्पिरिचुअलिज्म जो मतलब रुहानियत इंकलाब जो संगम हो श्याम गिचीय में माला साजी कराई में सिमरणी तस्बी हुंदी हुई रखदो असुर जो भेज भिनी वेल पलथी मारे अखियूं बूटे ज्ञान साधना कंदो हुयो सत्संग में भी वेंदो हुयो त वरी सत्यनारायण जो विर्त भी रखंदो हुयो मतलब त हिन क्रांति ए वेदांत के हिक बे सा वेड़े रखियो हो दिसो पेंजे पालनहार के कुदरत वारे के छातो चवे की उनसा शिकवा शिकायत तो करे कोट भूं जा चप भी फुटी पया आइन भूं जा चप भी फुटी पया आइन समुद्र ते मी वसाइण वारा दिसो भगवान सा शिकायत तो करे अरे जाते मी जी जरूरत आ उते तो पए कोन थी समुद्र ते मी तो वसाए पियो इते तो जको आ पांजो सूखो पेजी वियो आ जको आ असाजे धरती ते तू समुद्र में मी तो वसाए पियो जी अलामा इकबाल पांजो शिकवा जवाब शिकवा में लिखियो होयो ती चवन था दिसो अगते एकड़ो उन जो गजल बुदो शिकवे जो ईश्वर के तो चे दुख मुझे के दिलकश जे बनाई त मनाए चैलेंज तो करे ईश्वर के चैलेंज तो करे दुख मुझे के दिलकश जे बनाई त मनाए लुड़कन में झलक पेंजी पसाई त मनाए बर्क सा पेंजो कदम मिलाई त मनाए आसमानन ते चढ़ी वारो वजाई त मनाए जूनो सिज चंड ए तारम जो निजाम आए फ्रेब जूनो सिज चंड ए तारन जो निजाम आए फ्रेब रात दिन जी माना के मटाई त मनाए आए चीनी कोई रूसी त कोई अमेरिकी आदमी जात के इंसान बनाई त मनाए पीड़े इंसान के इंसान ही ऊंधे त दिसो पीड़े इंसान के इंसान ही ऊंधे त दिसो कै तरह शमा ए मसावात जगई त मनाए दिसो छा ललकार कई तई ए शाम रोण हार की ही मुझी हयाती ऐ शाम रोण हार की ही मुझी हयाती गुल माक बिनल वांगे खिलाई त मनाए अगते लिए दिसो इनी गुरुदेव टैगोर टैगोर साहब वांगुर एकला चलो जी भी मतलब सलाह दिनी हुई चवन था शेर बुधंदा जे ये बेन जे पेर ते हलंदे जे ये बेन जे पेर ते हलंदे न पहुंचंदे हल पेंजो दग वठी छदे हिन हुन बशर जी वाट मतलब एकला चलो जी सलाह तो दे कहीं परवाह न करनी है सच्ची जी राह ते हलणो आ एकड़े बेन चवन था कोट बाए मजबूर जी महफिल के लगायूं साथी बाए मजबूर जी महफिल के लगायूं साथी जोत जा दिल जी विसाणी सा जलायूं साथी आए इंसान जे सिर ते गुलामी जो दाग साफ सो दाग गुलामी जो मिटायूं साथी सिंध वतन जी याद हमेशा इन्हीं के सताईंदी रहंदी हुई सिंध वतन के याद कंदे चवन था कोट अलाए केड़ी घड़ी उनमा निकता सी अलाए केड़ी घड़ी उनमा निकता सी वतन वरण त छा सरद दिसण नसीब न थी वो तो चाहे जड़े लड़ पलाण थी पार्टीशन जे टाइम ते मानू ये चवन पिया ते यार असा वणू ता पाड़े सरन के पांजू चाबियूं देई विया ताला हणी त बस असा कुछ दिन में वापस इंदा से पर सब अधूरो रह जीवियो सरद दिसण भी नसीब न थी एकड़े बे शहर में चवन था कोट मां एक यादगार पीढ़ीन जो
वहां एक यादगार पीढ़ियों जो तो चिताए मुखे कदे न दिठ वरी साण चवन था एक सदी का पोए पिण शायद के आलम ए अदीब यानी सौ सालन का पोए एक सदी का पोए पिण शायद के आलम ए अदीब शाम जे शहरन मजा गोले लहन नुक्ता नवा अने सौ साल पूरा थियण वारा पंजावे पंजानवे साल थी रहा इन के उम्र के मतलब हाँ अगते हली नारायण श्याम जी शायरी पढ़ने में इंदी ये मानू नवा नवा माना यूं नवा नवा नुक्ता कढ़न था इकड़े बे शहर में चवन था शाम तुंजो कदर अगते हली थींदो शाम तुंजो कदर अगते ही हली थींदो त सच सिंधी जे लाए जिंदा रहण जी ही दुआ आए मतलब जे करे वो खुश तो थे पियो भाई एक मानू चवन था अगते हली कदर थींदो या तो सुठी गाल आ सिंधी बोली जिंदा रहंदी ए फलंदी फूलंदी हालांकि निराशा वाली गाल भी कई हुई एकड़ो शेर लिखियो हुई अला ई न थे जो किताबन में पढ़जे अला ई न थे जो किताबन में पढ़जे तो हुई सिंध ए सिंध वारन जी बोली पर ये नए अज भी जो नारायण श्याम के याद कियो तो वे सिंधी बोली लाए नौजवान नौजवान अगते वधन पयूं ए सिंधी सिखन पयूं सिंधी गालन पयूं सिंधी में फिल्मों ठहन पयूं सिंधी जा किताब निकरन पया नारायण श्याम लाए शायरी हकीकत में जो नारायण श्याम जी शायरी आ नारायण श्याम लाए शायरी एक साधना हुई जैमें सहूलत पिसंदी का जगह कोन हुई सहूलत पिसंदी जी का जगह कोन पंखड़ियों जो उन्हें जो मजमू हो रुबाई तरायल जो उन्हीं में लिखन था दिसो कपाने दिल जी गाल छा लिखन था गजब जी कोट शेर व शायरी बाबत सोचींदे पाइंदो आया तो मुझे अंतरात्मा में भी को शेर आए जो लफ्जन लाए सिकी रहे आए उन शेर जो एहसास थींदे दिल में एक खास किस्म जी लय जो अनुभव थींदो आए घणाई दफा पेंजे मुंह गुनगुनाईंदे इन लय के महसूस कयो अथम अड़े असर हेठ जडे जडे पेंजे शेरन जूं कापियूं खोलींदो आया तडे मायूस थी वेंदो आया मुंजो उहो शेर किथे ए उहा लय किथे इन शेर ए लय के लहण लाए पोइ मां जुदा जुदा शायरन के पढ़ण शुरू कंदो आया त मन किथां का झलक मिली वञे कदें कदें फकत टांडाणे जी लाट वांगुर हिन खिन रोशनी हुन खिन बाट महसूस कई अथम मगर अड़ी रोशनी न मिली अथम जैमां सही वाट जो अंदाज लगाए सघां अनकोट नारायण श्याम गज़ल जे बारे में लिखियो हो कोट गज़ल बियो कुछ आए सोत आए पर जीण जो एक तरीको पिण आए तर्ज़े गज़ल मां शायर जे तर्ज़े हयात जो अंदाज़ो बखूबी थी सघे थो मतलब शायर जी शायरी में ही तव्हां उन्हीं खे पहचाने वठंदो सुञाणे वठंदो त ही कहिड़ी टाइप जो शायर आहे संदस एक शेर मुलाया फरमाइंदा शाम के शेरन मंजा समझी सिग्युस शाम के शेरन मंजा समझी सिग्युस गर्चा मु समझी न हिन जी शायरी नारायण श्याम लड पढ़ाण वारियूं तकलीफ़ूं भी खूब सठियूं उन्हनि खे विसारे कोन सघियो हुयो ऐं पंहिंजे शेरनि में बयानु कंदो रहंदो हो हिकु हंधु चवनि था मां वरी इहे रिपीट थो कयां पहुतासीं कहिड़े माग वञी छा कंदे पुछी हा ॾिस त हिन सफ़र में लंघियासीं किथां किथां त इहो ॿुधाए थो त ॾिसो असां कहिड़ा कहिड़ा मतिलबु सितम असांजे मथां ढाया विया केॾियूं तकलीफ़ूं सठियूंसीं इहो छा थो पुछे त मां कॾहिं असां उतां जेको आहे किथे पहुतासीं इहो पुछ त भई असां कहिड़ा सूर सठासीं जेको आहे ऐं किथे किथे सठासीं
ग़रीबन मिसकिनन जे लाइ ॾिसो केॾी तड़प थो रखे। हिकिड़ो मुंहिंजो शेर पेश थो कयां, शेर खां अॻु में, जॾहिं हिन हिकिड़ी ग़रीब मिसकिन औरत जो जिस्म गर्मी में गर्मी सबबु अधु ढकियल ॾिठो ऐं हिन जे फाटल कपिड़नि जे करे अधु ढकियल हो या गर्मी जे करे ढकियल हो, तंहिं ते नारायण श्याम हिकिड़ो शेर चयो, कोट, अधु ढकियल तन होसि गर्मी जे करे, अधु ढकियल तन होसि गर्मीअ जे करे, रोए वेठी छो ॾिसी पहिरां खे। हाणे ॾिसो इन में त माण्हू त इहे चवंदा भई गर्मी जे करे जेको आहे अधु गाड़ी वेठी आहे, पर एक्चुअली त छा आहे, उन वीचारी जा कपिड़ा ई फाटल हुया। ग़रीब जे लाइ जेको आहे, मिसकिन लाइ इहो शहर आहे। हिकु हसास शाइर जी हैसियत में नारायण श्याम पाण खे पंहिंजे वक़्त जे हालात, माहौल ऐं ज़ुल्म ज़ियातियुनि खां पाण खे कीअं अलॻि रखे सघे पियो। हिते मां तव्हांखे उन जा कुझु बहितरीन शेर, चूंड शेर ॿुधायां थो। को किरियल या कोई किरायल उथी थींदो खड़ो, को किरियल या कोई किरायल उथी खड़ो थींदो, को ॿियो बणिजी किथां सिघंदो बग़ावत जो सबबु। चवंदा न उहा भाउ उहो हंधु सड़े जिते बाहि लॻे, त मतिलब त काल मार्क्स वारी ॻाल्हि करे वियो त मुल्क में इंकलाब ॾुतड़नि मज़दूर हारी ऐं ग़रीब जनता ई आणे सघंदी आहे, छो जो सूर उन्हनि जे लाइ ई आहिनि, वॾनि माण्हुनि लाइ त कोई सूर आहे ई कोन। रस्ते ते जेके अॼुकल्ह नेताउनि जा स्टेचूस लॻनि था, बोता लॻनि था सड़कनि ते, उन्हनि खे ॾिसी उहो हिकिड़ो शहर चए थो, कोट, मुर्दा माण्हुनि जो ही मुल्क, मुर्दा माण्हुनि जो ही मुल्क, जिते पथर जा पुतला मौत जी गहराईअ सां जीअरनि ते हीअं मुश्कनि बीठा। ॿिए हिकिड़े शहर में ॿुधो छा था चवनि, रोटी लाइ चिता जी आग, चमकियो पेट भरियुनि जो भाग, चमकियो पेट भरियुनि जो भाग। जॾहिं सुखो पवंदो आहे न, जॾहिं ॾुकार पवंदो आहे, त पोइ सेठिन जा पेट भरियल सेठिन जा भाग फाटी पवंदा आहिनि। ॾिसो कीअं हिते ब्लैक मार्केटिंग कंदड़ पूंजीपतिन सेठनि लाइ नफ़रत जो इज़हार कयो अथईं। शाह लतीफ़ साहब बि फरमायो हो, जिन महांगो लही मेड़ियो, जिन महांगो लही मेड़ियो, से था हथ हणनि पंजनि मां पंद्रहं थिया, ईअं था वर्क वरनि, ॾुकारिया ॾेह मां शाल मूज़ी सभु मरनि। अॼुकल्ह असां वटि हारियुनि किसाननि ऐं खेत मज़ूरनि जी जेका हालति आहे उहा उन वक़्तु बि हुई। नारायण श्याम उन्हनि जी हालति ॾिसी साफ़ साफ़ लफ़्ज़नि में ॾिसो शहर में छा था चवनि, जीअण खां तंग थी कल, जीअण खां तंग थी कल, खूह में कंहिं पाण खे उछलायो, तरे पियो लाश अॼु, तरे पियो लाश अॼु, पर आत्मा हिन जी ॿुॾी वई। नारायण श्याम खे पंहिंजे सिंध वतन लाइ बाजाईंदे तव्हांजी शायरी में तव्हांखे इहे ॻाल्हियूं सभु नज़र ईंदियूं। सिंध लाइ बाॾाईंदा रहिया, पर वरी सिंध ॾिसण खे नसीब कोन थी। ऐं ॾिसो छा था चवनि पंहिंजे शहर में, उहो दर्द बयान था कनि सिंध न ॾिसण जो जेको आहे। गुलज़ार में ई गुल जूं अखियूं शबनम ई ॾिसां, गुलज़ार में ही गुल जूं अखियूं शबनम ई ॾिसां, बुलबुल चमन खां दूर अला तड़फंदे ॾिसां, थर जूं भिटूं परे ऐं परे सिंध जूं भिटूं, अॼु पाण वटि को छा न का मारू ई ॾिसां। छा त शइ, आख़िर में इहो चवंदुसि त बरे सगीर जी तारीख़ में हिकिड़ी अहम ॻाल्हि थी,
जो जडें भारत पाकिस्तान जी जे विच में लड़ाई लगी हुई 1965 में, तो शेख अयाज सिंधी बोली जे अजीम शायर एक कविता लिखी थरथलो मचाए छो हो जैसे खेस जेल उमाणो हो। किंत शेख अयाज के देशद्रोही पाकिस्तान दुश्मन चई छो इंडिया जो एजेंट चो, पर शेख अयाज पैंजी कविता ते अटल रहो जेल वञण पसंद कई। यह कविता ते सामू में पेश किया तो, ही संग्राम सामो आ नारायण श्याम, इनते बंदूक किए खड़ा मां, इनके गोली किए हणा मां, इन जा मुंजा कोल भी सागया बोल भी सागया, हू कविता जो काक दणी पर मुंजा रंग रतवल भी सागया, इनते बंदूक किए खड़ा मां, इनके गोली किए हणा मां, ढट भी सागियो ढट भी सागियो ढोल भी सागियो हाँ भी सागियो होल भी सागिया, इनते बंदूक किए खणा मां, इनके गोली किए हणा मां। सदाई गद सयाणे मोकलणी न मां रेडियो वॉइस ऑफ सिंध लंडन मां चुनीलाल वाधवाणी तां साम्हूं नारायण श्याम जे बारे में उनजी कविता आहिनि उनजी ज़िंदगी जे बारे में रहियो। विछोड़ो कोने वरी बीहर मिलदासे। सदाई गद जीए सिंध जय जगत सदा आलम आबाद रहे। सदाई गद धन्यवाद। अवाजी समातुन ताई रेडियो वॉइस ऑफ सिंध लंडन।